ब्लैक थ्रिप्स। ब्लैक थ्रिप्स आज के समय का ऐसा मुद्दा बन गया है जिसके कारण हर किसान भाई परेशान है, हर कोई इसके कारण त्रस्त है। तो किसान भाइयों, ब्लैक थ्रिप्स का अभी तक आपने लगभग सभी प्रकार के स्प्रे करके देखे होंगे, किसी भी चीज़ से आपको इसका समाधान नहीं मिल रहा है। सभी किसान भाई एवं सभी कंपनियां अपने अपने प्रैक्टिकल में लगे हैं। कुछ कंपनी वाले भाई बता रहे हैं कि इसका स्प्रे कर दो इससे कंट्रोल होगी, इसका कर दो इससे कंट्रोल होगी। लगभग सभी लोग प्रैक्टिकल में लगे हैं कि किसी न किसी चीज़ से ये कंट्रोल हो जाए, लेकिन अभी तक इसका हमें कोई समाधान नहीं मिल रहा है। तो आइए जानते हैं ब्लैक थ्रिप्स के बारे में। ब्लैक थ्रिप्स है क्या और इसके क्या समाधान हो सकते हैं? मैं यशवंत एक बार फिर आप सभी किसान भाइयों का आसान खेती यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, अभी तक भी जिन किसान भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन की बटन पर भी क्लिक कर दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। तो किसान भाइयों, ब्लैक थ्रिप्स की अगर हम बात करें, अगर इसके जीवन चक्र की बात करें तो इसकी टोटल 6 अवस्था होती है। पहली अवस्था अंडे की होती है, इसके बाद में 2 अवस्था इसकी लार्वा के रूप में होती है जिसको इंस्टार 1 इंस्टार 2 कहा जाता है। इसके बाद में इसमें 2 अवस्थाएं प्यूपा के रूप में होती है, प्रो प्यूपा, फिर प्यूपा, और लास्ट में ये बनती है एडल्ट ब्लैक थ्रिप्स। इसके पंख आने उस समय में पंख आ जाते हैं जब ये एडल्ट होती है। इस प्रकार से इसका जीवन चक्र होता है, 6 स्टेज में इसका जीवन चक्र होता है। इसका जो अपनी फसल पर रहने का स्थान है वह है फूल, फ्लावर, फ्लावर के अंदर ही रहती है, इसलिए इसे ब्लैक थ्रिप्स भी कहा जाता है, फ्लावर थ्रिप्स भी कहा जाता है। तो किसान भाइयों, यह तो थी इसकी ब्लैक थ्रिप्स की पहचान। अगर हम फूल के अंदर देखेंगे, फूल को पलटा कर देखेंगे तो उसके अंदर हमें आसानी से चलती हुई दिख जाएगी। इसे देखना काफ़ी आसान है क्योंकि ये व्हाइट सरफेस पे होती है, सफ़ेद सरफेस पे होती है फूल के अंदर, और ब्लैक कलर की होती है, इसलिए इसे देखना काफ़ी आसान है। हम कहीं भी कहीं से भी इसे देख सकते हैं आसानी से। इसके बाद में किसान भाइयों, अभी तक कोई ऐसा प्रोडक्ट बाज़ार में नहीं है जो स्पेशल बोल सके कि यह ब्लैक थ्रिप्स को कंट्रोल करेगा, लेकिन प्रैक्टिकल हम ज़रूर कर सकते हैं। प्रैक्टिकल करते करते ही हमें समाधान भी मिलेगा। तो इसी आधार पे हमने भी एक प्रैक्टिकल किया था ब्लैक थ्रिप्स पर, जिसमें हमें उसके रिजल्ट देखने को मिले। तो आज वही जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। किसान भाइयों, हमने ब्लैक थ्रिप्स के लिए क्या किया है, एक बायो प्रोडक्ट लिया था। एक थोड़ा सा आप किसी अच्छी कंपनी का बायो प्रोडक्ट लीजिए जो वाकई में बायो हो, बायोकेमिकल ना हो, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हो, जो कि पूरी तरीके से हर्बल प्रोडक्ट हो। तो हमने इसमें अंडरवुड कंपनी का लेग्नोसिस लिया था जो कि थ्रिप्स माइट्स के और लीफ माइनर के लिए रिकमेंडेड प्रोडक्ट है, और इसी के साथ में हमने लिया था एक टच पॉइजन। टच पॉइजन कॉन्टैक्ट में आप जैसे प्रोफेनोसाइपर ले सकते हैं, इथियान साइपर ले सकते हैं, या फोसमाइट ले सकते हैं, कोल्फास ले सकते हैं, जो भी आपको आसानी से मिल जाए। एक टच पॉइजन के साथ में बायो प्रोडक्ट लेना है और आपको उसका बहुत अच्छी तरीके से आपकी फसल के ऊपर स्प्रे करना है। देखिए कारण क्या है ब्लैक थ्रिप्स न मरने का। थ्रिप्स जो येलो कलर की थ्रिप्स होती है और ब्लैक कलर की थ्रिप्स होती है, लगभग दोनों एक ही है, लेकिन बस इनका कलर अलग है, क्लाइमेट के कारण इनके कलर में अंतर आया हुआ है। तो किसान भाई, ये जो ब्लैक थ्रिप्स होता है वो फूल के अंदर वाइट सरफेस पे होता है और फूल एकदम उल्टा टंगा होता है, जिसके कारण हमारा कोई भी दवाई फूल तक नहीं पहुँच पा रहा है और ब्लैक थ्रिप्स हमारा कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो अगर हमारी दवाई फूल के अंदर तक चली जाती है तो ब्लैक थ्रिप्स को मारना काफ़ी आसान है, फिप्रोनिल से भी मर जाएगा, लेकिन वहाँ तक दवाई न जाने के कारण इसे मारना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। अच्छा, दूसरा कारण यह है कि हम बोल सकते हैं कि सिस्टमिक दवाई का उपयोग करेंगे तो वो पेनिट्रेट होकर फूल के अंदर चली जाएगी, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दें कि वाइट सरफेस को कोई भी दवाई पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, खासकर फूल को। फूल का जो कवर होता है वो एकदम प्लास्टिक नुमा होता है, उसे कोई भी दवाई पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, जिसके कारण हमारी दवाई अंदर तक नहीं जा रही है और ब्लैक थ्रिप्स नहीं मर रही है। उसको एक कवच सा मिल गया है, जैसे गुलाबी लीफ कपास के फल के अंदर हो जाती है, उसके बाद उसे मारना काफ़ी मुश्किल होता है। इसी प्रकार से ब्लैक थ्रिप्स एक बार फूल के अंदर हो जाती है तो उसे मारना भी एक मुश्किल सा हो जाता है, क्योंकि उस सरफेस को कोई भी दवाई पेनिट्रेट नहीं कर पाती, भेद नहीं पाती है। तो टच पॉइजन हम इसीलिए आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि टच पॉइजन रात में गेस बनाएगा, जिसके कारण इसके रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। टच पॉइजन कॉन्टैक्ट है, जो भी उसके कॉन्टैक्ट में आएगा मरेगा, साथ ही साथ जब रात में गैस बनती है, गैस के कारण भी वो थ्रिप्स बाहर निकल के अगर अन्य जगह से रस शोषण करेगी तो उसको भी मरना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अगर आप बायो के साथ में टच पॉइजन का उपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, कुछ हद तक आपकी ब्लैक थ्रिप्स कंट्रोल जरूर होगी। और वैसे भी अभी मौसम में सुधार आएगा, जैसे धीरे धीरे ठंड बढ़ती जाएगी इसका प्रकोप कम होगा और आपकी फसल में वापस से सुधार आने लगेगा। तो जब तक कि मौसम ठंडा नहीं हो जाता है, अननेसेसरी आप बहुत ज़्यादा आपकी फसल पर खर्च न करें और समय का थोड़ा सा इंतजार करें।
कुछ किसान भाई इसके कारण इतने त्रस्त हो गए हैं कि मिर्च को उखाड़ने लगे हैं। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि अगर आप थोड़े समय के लिए इंतज़ार कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए, क्योंकि इस साल मिर्च का रेट काफ़ी अच्छा है, तो हमें आने वाले समय में इसका फ़ायदा मिल सकता है। थोड़ा सा पेशेंस रखें, खर्च कम करें, और आप ऐसा भी नहीं है कि खर्च बिल्कुल बंद कर दें या स्प्रे करना ही नहीं है, तो जो हम बता रहे हैं इस प्रकार से आप कर सकते हैं, या फिर आप सिंगल टच पॉइजन का उपयोग भी कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप बायो प्रोडक्ट लेना जा रहे हैं तो बायोकेमिकल नहीं लेना है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट लेना है, किसी अच्छी कंपनी का लेना है। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप बताइएगा अगर आपके पास कोई ब्लैक थ्रिप्स के लिए काफ़ी अच्छा उपाय है जिसके कारण आपको अच्छे रिजल्ट मिले हैं, तो आप शेयर कीजिएगा ताकि अन्य किसान भाइयों का भी फायदा हो सके। तो आज के लिए इतना ही किसान भैया, धन्यवाद।